वेलकम टू माय चैनल से प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज हम भारत में जितने आधुनिक तरीके से उद्योग स्थापित किए गए थे उनका डेट, उसके बाद उनका हिस्ट्री, उसके बाद हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे क्यों, किस लिए, किस किस राज्यों में उस तत्कालीन परिस्थिति में स्थापित करना अनिवार्य था या उनके लिए एक अनुकूल परिस्थिति थी, इसलिए वहाँ या उस राज्य में उद्योगों की स्थापना आधुनिक तरीके से ब्रिटिश इंडिया में की गई थी। चलो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं लौह उद्योग या लौह उद्योगों की स्थापना भारत में आधुनिक तरीके से किस किस राज्य में हुई थी। सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊंगा आपको लौह उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है। दोस्तों लौह उत्पादन में प्रथम देश चीन है। अब देखते हैं दोस्तों भारत में लौह उत्पादन की आधुनिक तरीके से इकाइयों की स्थापना किस राज्य में हुई थी। लौह कारखाना की स्थापना भारत में, लौह कारखाना की स्थापना भारत में दोस्तों सबसे पहले कोलकाता में पश्चिम बंगाल में 1874 में हुआ था, कुल्टी नामक स्थान पर जो पश्चिम बंगाल में है। अब दोस्तों देख लेते हैं वहां पर क्यों लौह उद्योग या लौह कारखाना की स्थापना की गई थी, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों के टाइम या ब्रिटिश इंडिया में वहां पर एक पोर्ट था जिसे कहते हैं हुगली पोर्ट था, उसके माध्यम से वो लोग जो उद्योग से लोहा बनाते थे वो इंग्लैंड को भेज देते थे। उसके बाद वहां पर दोस्तों उसके आसपास माइन या खान थे लोहे के, इसलिए वहां पर पश्चिम बंगाल में इस लौह उद्योग की स्थापना उस समय तत्कालीन परिस्थिति में एक अनुकूल वातावरण था, इसलिए वहां पर लौह उद्योग की स्थापना की गई थी। आधुनिक तरीके से दोस्तों बड़े पैमाने पर दोस्तों सबसे पहले वहां पर बिहार में स्थापना की गई थी 1907 में बड़े पैमाने पर लौह कारखाना की स्थापना। बिहार में किया गया था दोस्तों, स्थापना बिहार में। दोस्तों इसकी स्थापना जमशेद रतन टाटा द्वारा किया गया था जो एक भारतीय हैं, जमशेद रतन टाटा। दोस्तों एक बार मैं आपको इसके लौह अयस्क जो जो लौह अयस्क होते हैं उसके विषय में बता दे रहा हूं। आयरन पायराइट हो गया दोस्तों, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट हो गया, सीडेराइट हो गया, ये सब दोस्तों मैं ऐसे थोड़ा ही बता दे रहा हूँ। आयरन पायराइट हो गया, सीडेराइट हो गया, ये सब लौह अयस्क के महत्वपूर्ण अयस्क हैं। अब उसके बाद दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। लौह अयस्क की स्थापना सबसे पहले भारत में आधुनिक तरीके से 1874 में वेस्ट बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों अब देख लेते हैं बड़े पैमाने पर 1907 में लौह कारखाना की स्थापना बिहार में की गई थी जमशेद रतन जी टाटा के द्वारा। अब देख लेते हैं लौह अयस्क कौन कौन से हैं। आयरन पायराइट है, सीडेराइट है, कैल्को पायराइट है, कैल्को पायराइट, हेमाटाइट,
हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। दोस्तों चलो एक बार मैं आपको लौह अयस्क जो महत्वपूर्ण है उसका रिवीजन करवा देता हूँ। आयरन पायराइट हो गया, सीडेराइट हो गया, कैल्कोपायराइट हो गया, हेमाटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया। दोस्तों आयरन के जो अयस्क हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए मैंने आपको दो बार रिवीजन करवा दिया। आप लोग दोस्तों इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों उसके बाद चलो अब देखते हैं तत्कालीन भारत में या ब्रिटिश इंडिया में कहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी। 1818 में दोस्तों सबसे पहले फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था। फोर्ट ग्लास्टर दोस्तों कोलकाता के पास है, कोलकाता। उसके बाद दोस्तों मैं इसे ब्रेकेट में पश्चिम बंगाल लिख दे रहा हूँ, या वेस्ट बंगाल मैंने लिख दिया, लेकिन दोस्तों यह उस परिस्थिति में लगाया गया था लेकिन ये सफल नहीं हो सका था। इसके बाद 1854 में मुंबई क्वाजी डोवर नामक स्थान पर भारत में सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई। दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना दोस्तों 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में सबसे पहले स्थापित किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हो सका था। उसके बाद दोस्तों मुंबई क्वाजी डोवर नामक स्थान पर लगाया गया था। मैं इसे दोस्तों ब्रेकेट में महाराष्ट्र लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों उत्पादन इकाई 1856 से शुरू हो गई थी। उत्पादन प्रारंभ 1856 से शुरू हो गया था। अब दोस्तों देख लेते हैं, दोस्तों मुंबई जो है समुद्र के पास में है, इसलिए यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी, क्योंकि इसके लिए जरूरी होता है कि नम जलवायु होती है, जिस कारण से कपास के सूत जो होते हैं टूटते नहीं है। नहीं तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु होगी, सूखी जलवायु होगी, वहाँ पर धागा टूट जाएगा तो नुकसान होगा, वहाँ पर अच्छी तरह से सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए मुंबई में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी। दोस्तों हम देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों मुंबई को। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है मुंबई को दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों। मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, उसी के नाम पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योगों का उत्पादन होता है। उसी के उपनाम पर भारत में कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों उत्तर भारत कानपुर को दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है।
उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों चौथा पॉइंट, अहमदाबाद को दोस्तों अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। भारत का बोस्टन, एक बार दोस्तों मैं जल्दी से आपको यहीं से रिपीट करवा दे रहा हूँ। मुंबई को दोस्तों भारत की सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों अब देखते हैं जूट उद्योग के विषय में। भारत में दोस्तों पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट उद्योग का उत्पादन होता था, लेकिन दोस्तों हमारे देश का विभाजन होने के कारण इसका जो अधिकतम भाग था बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जिस कारण से भारत में जूट उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद दोस्तों सरकार द्वारा इस पे प्रयास सफल प्रयास किया गया, जिस कारण से भारत में अब एक बड़े पैमाने पर फिर से जूट उद्योग विकसित हो चुका है। अब दोस्तों देखते हैं भारत में या ब्रिटिश इंडिया में सबसे पहले जूट उद्योग की स्थापना कब हुई थी। जूट उद्योग की स्थापना जूट उद्योग की स्थापना दोस्तों सबसे पहले 1859 1859 में हुआ था तिसरा नामक स्थान पर। रिसरा नामक स्थान पर दोस्तों, जो कि मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद मैं दोस्तों और लिख रहा हूँ जो महत्वपूर्ण ही है। जूट उद्योग निगम की स्थापना जूट उद्योग निगम जूट उद्योग निगम की स्थापना 1971 में हुआ था दोस्तों, जो कि भारत के आयात निर्यात आंतरिक बाजार को नियंत्रण करता है। जूट उद्योग की स्थापना 1971 में किया गया था। इसका कार्य देख लेते हैं दोस्तों। आयात निर्यात आंतरिक बाजार का नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जूट के रेशे को दोस्तों सोने के रेशे या गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। सोने के रेशे के नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी। मैं दोस्तों IR लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए इसका मतलब होता है इंटरनेशनल जूट संगठन। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में ढाका में हुआ था। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से इसका रिवीजन करवा दे रहा हूँ। आधुनिक ढंग से जूट उद्योग की स्थापना सबसे पहले 1859 रिसरा नामक पश्चिम बंगाल में हुआ था। जूट उद्योग निगम की स्थापना 1971 में हुआ था। इसका कार्य है आयात निर्यात आंतरिक बाजार पर नियंत्रण करना। इसका काम है जूट के रेशे को सोने के रेशे या गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुआ था, जो इसका मुख्यालय दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।